नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तर। आइए रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। एक तरफ राष्ट्रीय गौ संरक्षण दल पूरे भारत देश में तेजी से बढ़ रहा है और गौ सेवा को लेकर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो वहीं सक्रिय पदाधिकारी के दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। मामला जनपद अयोध्या के गद्दोपुर का है, जहाँ राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के अवध प्रांत अध्यक्ष विवेक सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। बीते 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे विवेक सिंह निवासी जेमा वैश्य संगठन के काम से कचहरी जा रहे हैं, तभी अचानक से रास्ते थाना क्षेत्र के गद्दोपुर में कुछ अराजक तत्वों ने विवेक सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। अराजक तत्वों ने चार पहिया वाहन UP42X7821 से विवेक सिंह पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। विवेक सिंह द्वारा थाना कैंट में तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ये आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं राष्ट्रीय गौ संरक्षण दल से और प्रांत अध्यक्ष हूँ। मैं सुबह जो है अपने संगठन के लोगों से मिलने फैजाबाद आ रहा था कि अचानक एक गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई, और जब मैं साइड से मतलब गाड़ी किनारे से अपनी जान बचा पाया, तैसे लोग उतर के मुझे ज़बरदस्ती मारने लगे, और मारने के बाद हमारा सर फट गया और मुझे चक्कर आ गया। इसी तरीके से मेरे कुछ कार्यकर्ता पीछे थे, वो भी बचाव किए, मैं यहाँ से निकल के गया हूँ और फिर मेडिकल हुआ, सारी चीज़ें हो गई है, आगे कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा की जाएगी। क्या आप लोग उनको जानते हैं? कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ जो है शहर जा रहा था अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, और अचानक एक गाड़ी मेरे ऊपर मतलब चढ़ाने की कोशिश की गई, मुझे एहसास हुआ मैंने बचत की, लेकिन जैसे गाड़ी बचत करने के बाद वो लोग तुरंत उतरे और मुझे मारने पीटने लगे। और गाड़ी नंबर? हाँ, यूपी गाड़ी का नंबर पता है UP42X7821 जी, इसी गाड़ी नंबर से अटैक हुआ। ठीक।